तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि ये आपका y equals to, ये दिया गया है 5 cos x minus 3 sin x. अब differentiating with respect to x, differentiating with respect to x क्या हो जाएगा आपका, dy by dx that is equals to 5 times d by dx of cos x minus 3 times d by dx of sin x. ठीक है, तो cos x का differentiation क्या होता है आपका, माइनस साइन एक्स होता है, माइनस थ्री, और ये क्या होता है आपका कॉस एक्स होता है. ठीक है, डिवाइड एक्स ऑफ साइन एक्स, तो ये क्या आ गया आपका माइनस फाइव साइन एक्स और माइनस थ्री कॉस एक्स, से दैट इज इक्वेशन नंबर टू. ये आपका डिवाइड बाई डी एक्स आ गया. अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा आपका, डी बाई डी एक्स ऑफ dy by dx that is equals to minus 5 times d by dx of sin x or minus 3 times d by dx of cos x. ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा minus 5, और sin का differentiation क्या होता है cos होता है, that is cos x minus 3, और cos का क्या होता है minus sin, तो minus sin x. ठीक है, तो आप देख लीजिए इसको क्या हो जाएगा, माइनस फाइव कॉस एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, थ्री साइन एक्स. ठीक, अब देखिए यहाँ पे आपका वाई की वैल्यू क्या है, फाइव कॉस एक्स माइनस थ्री साइन एक्स है. अगर हम इन दोनों से माइनस कॉमन कर ले, माइनस कॉमन कर ले, तो क्या हो जाएगा आपका फाइव कॉस एक्स, ये माइनस था प्लस हो गया, और जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा माइनस कॉमन करने से, तो थ्री साइन एक्स. ठीक है, अब देखिए इस ब्रैकेट की वैल्यू क्या है, ब्रैकेट वैल्यू यहां से साफ दिख रही है कि ये y है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज माइनस y. तो d2y / dx स्क्वायर, ये चीज आप क्या लिखोगे, d2y / dx स्क्वायर, तो d2y / dx स्क्वायर आपका माइनस y आ गया. तो इधर ले आइए आप जो आपको रिक्वायर्ड था प्रूफ, d2y / dx स्क्वायर + y = 0, यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था.